हाउ टू फिक्स आइडिया सिम नॉट शोइंग नेटवर्क प्रॉब्लम। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने सिम कार्ड में, यदि आपका नेटवर्क जो है अपने मोबाइल में शो नहीं हो रहा है और नेटवर्क से रिगार्डिंग आपका जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है, यदि आप वो फिक्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहिए। मैं आपको वीडियो के अंत तक जो है आपका प्रॉब्लम सॉल्व करवा के दिखाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हमारे नेटवर्क शो नहीं होने का बहुत से कारण हो सकता है और यहाँ पे मैं आपको 5 सेटिंग्स बताऊंगा। 5 सेटिंग्स में आपका प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और 5 सोल्यूशन में दोस्तों, 5 आपको यहाँ पे सोल्यूशन में दोस्तों, लास्ट वाला जो रहेगा सेटिंग, वो आपका आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। लास्ट का आपका मेजर रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएगा और इस वीडियो को एक लाइक अभी के अभी कर दीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए हम चलते हैं अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे सबसे पहले। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे पहला सेटिंग आपको क्या करना है, आपको फ्लाइट मोड जो है इसे ऑन कर देना है। फ्लाइट मोड को यानी कि एयरप्लेन मोड को आपको ऑन कर देना है। उसके बाद में अपना मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना है। स्विच ऑफ कीजिए और आपका सिम कार्ड जो है उसे एक बार निकाल दीजिएगा, ठीक है। सिम कार्ड को एक बार निकाल दीजिए और दोबारा से आप लगा दीजिए सिम कार्ड को और अपना मोबाइल को स्विच ऑन करके एयरप्लेन मोड को ऑफ कर दीजिएगा। दोस्तों, कभी कभी जो है 50% हमारा प्रॉब्लम ये करने पर सॉल्व हो जाता है नेटवर्क का, ठीक है। यदि आपका नेटवर्क शो होने लगता है तो बढ़िया है, शो नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे का सेटिंग आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको सेटिंग में ही आके डोयल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क पे आपको जाना है, या फिर आपके मोबाइल में सिम मैनेजमेंट शो होगा या फिर मोबाइल नेटवर्क शो होगा, ठीक है। आपको बेसिकली सिम में जाना है। उसके बाद में आपका जो सिम में प्रॉब्लम आ रहा है वो सिम आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पे आपको नीचे जाना है करियर ऑप्शन पे। करियर पे जाने के बाद में ऑटोमेटिकली सेलेक्ट यदि है या फिर ऑटोमेटिकली सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इसे आपको बंद कर देना है, ऑफ कर देना है, ठीक है। ये ऑफ करने के बाद में क्या होता है कि दोस्तों, हमारे मोबाइल में ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हम ऑन करके रखते हैं तो नेटवर्क हमारे नज़दीकी जो भी नेटवर्क है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। तो इसे बंद करके हम जो है मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। कभी कभी नेटवर्क का इश्यू इसी वजह से आता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपका नज़दीकी जो भी आपको नेटवर्क यहाँ पे शो कर रहा है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। एक सेलेक्ट करके देखिए यदि आपको नेटवर्क शो होता है कि नहीं, नहीं होता है दूसरा सेलेक्ट कीजिए, दूसरा में नहीं होता है तीसरा कीजिए, ठीक है। ये करने पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये आपका परमानेंट ही नहीं है, ये आपका टेम्पररी है। तो दोस्तों, ये करने के बाद में दोस्तों, कुछ देर आपका नेटवर्क शो कर लेता है तो वो नेटवर्क में आप काम करते रहिए। बाद में जाके नेटवर्क गायब होता है तो आप ऑटोमेटिकली सेलेक्ट को ऑन कर लीजिएगा, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल तो हम इसे ऑटोमेटिकली कर देते हैं और बैक चले जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे 2 सेटिंग हो चुका है। तीसरा सेटिंग आपको क्या करना है, तीसरा दोस्तों आपको क्या करना है, तीसरा आपको नेटवर्क सेटिंग को आपको रीसेट करना है, ठीक है। कभी कभी हम अपनी सेटिंग को ज़्यादा ही छेड़खानी कर देते हैं, उसके वजह से हमें प्रॉब्लम आता है। तो हमें क्या करना है, अपने मोबाइल का सेटिंग को, सिर्फ सेटिंग को, ठीक है, पूरा मोबाइल को रिस्टोर नहीं करना है। रिस्टोर करने पर डाटा वगैरह उड़ जाता है, इसमें वो नहीं करना है, सिर्फ सेटिंग को रीसेट करना है। तो दोस्तों, उसके लिए आपको अपने मोबाइल में सेटिंग में आना है और एडिशनल सेटिंग में जाना है, ठीक है। दोस्तों, लोकेशन हो सकता है कि थोड़ा आगे पीछे हो, ऊपर नीचे हो, तो आपको लोकेशन में थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ आपके मोबाइल में शायद वो आपको शो ना हो, तो आपको बैकअप एंड रीसेट पे जाना है और यहाँ पे आपको रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग पे जाना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके यदि आपका पासवर्ड है तो भर दीजिए, या फिर दोस्तों आप देख सकते हो रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली पे आपको क्लिक करना है और एक बार क्लिक करके आपका सिस्टम का जितना भी सेटिंग है उसको रीसेट कर देना है। ये करने पर क्या होता है कि दोस्तों, आपका सिम का सेटिंग, नेटवर्क का सेटिंग, आपका कॉल का सेटिंग सारा जो है डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाएगा, यानी कि कंपनी से जो आता है वही आपका डिफ़ॉल्ट बन जाएगा, रीसेट हो जाएगा और आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये था तीसरा सेटिंग दोस्तों। अभी दोस्तों चौथा देखिए दोस्तों, हमारे मोबाइल में सिस्टम अपडेट नहीं करने की वजह से भी हमें नेटवर्क में प्रॉब्लम आ सकता है। एक बार सॉफ्टवेयर अपडेट आप चेक कर लीजिएगा, यदि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट आ रखा है तो सॉफ्टवेयर को आप अपडेट कर लीजिए। यह अपडेट करने पर आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा डेफिनेटली। अभी दोस्तों नंबर 5, यदि ये सारा कुछ करने के बाद में भी आपका मोबाइल में प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क शो नहीं हो रहा है, तब आपको दोस्तों दूसरा मोबाइल नंबर से आप जो है अपना कस्टमर केयर से बात कीजिए। कभी कभी टेक्निकल इश्यू आने की वजह से या फिर सर्वर डाउन होने की वजह से या फिर दोस्तों आपके मोबाइल सिम में ही प्रॉब्लम होने की वजह से हो सकता है, तो अपना कस्टमर केयर से भी आप बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 5 सॉल्यूशन जो था, आप अपना नेटवर्क शो नहीं होने का फिक्स कर सकते। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।